टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच जारी है। स्कॉटलैंड की तगड़ी टीम इस वक्त इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरी है। इंडिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी। ये दूसरा अहम तरीन मैच है जो इंडिया के लिए बहुत ड्रामना ख्वाब साबित हो सकता है। ये इस हवाले से मोहम्मद आसिफ और शुएब अख्तर कह चुके हैं कि स्कॉटलैंड की टीम तगड़ी है और वो इंडिया को शिकस्त देने की सलाहियत तो रखती है, लेकिन इंडिया की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह फतह हासिल कर चुकी है तो अब इंडिया इस वक्त तगड़ी नज़र आ रही है और इंडियन बैट्समैन जो कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज़ किया था वो दोबारा गेन कर रहे हैं। तमाम तफसीलात जानने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर यह है कि जिस वक्त आप ये मैच देख रहे होंगे या फिर आप ये मैच देख चुके होंगे, इससे कबल ये आपको बताना ज़रूरी है कि इंडिया के लिए डू आर डाई की सिचुएशन है और मैच से कबल स्कॉटलैंड की क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया कि इस वक्त भारत की टीम को फाइनल में जाने के लिए, टीम की ट्रॉफी को जीतने के लिए हमें हराना होगा और हम इस वक्त मैदान में जीत के लिए उतरे हैं। ऐसे मौका पर इंडिया और स्कॉटलैंड की टीम का मैच इस वक्त देखा जा रहा है। देखते हैं मैच का क्या नतीजा निकलता है, लेकिन सबसे अहम ये कि इंडिया के लिए इसलिए ये मैच जीतना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया इस वक्त रन रेट बहुत ख़राब है और अफगानिस्तान से भी नीचे है, चौथे नंबर पर है। टॉप टू टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। इंडिया अगर आज बड़े मार्जिन से नहीं जीतता तो इंडियन टीम बाहर हो जाएगी और अगर बड़े मार्जिन से ना जीत सका तो फिर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को शिकस्त देते हुए आगे बढ़ जाएगा। अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे उस सूरत में भारत को शायद फ़ायदा पहुँच सके।